हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ढोलक के बारे में बताना चाहती हूँ। अक्सर आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे ढोलक की शहनाई ना बजती हो। हमारे कोई भी तीज त्यौहार हो, वहाँ ढोलक बजाया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने ढोलक को कैसे सुरक्षित रखें ताकि इसमें बहुत बढ़िया आवाज़ आए, उसके लिए, क्योंकि हमारा ये जो ढोलक होता है ना, इसके ये जो पुर्जे होते हैं, ये देखिए आप, ये बजाते बजाते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उससे ढोलक की आवाज़ अच्छी नहीं आती और हमारे फंक्शन भी अच्छी तरह से नहीं अटेंड हो पाते। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये चाबी है, चाबी का नंबर है 12 नंबर चाबी है ये देखिए, ये 12 नंबर चाबी कोई भी लग जाएगी। ये चाबी आपको या तो जहाँ से आप ढोलक खरीदते हैं वहीं मिल जाएगी, या तो किसी भी साइकिल, जो साइकिल को ठीक करते हैं ना, उनके पास ये चाबी मिल जाएगी। मैंने भी साइकिल वाले से ली हुई है। अब हमने, मेरी इस ढोलक में आवाज़ आ रही है, तो इस चाबी को एक साइड से नहीं तो दूसरी साइड से ये लग जाती है, तो इसको अब हमारे को ऐसे टाइट करना है, ऐसे करके ये चाबी लगा के ना, ये ढोलक हमारे को टाइट करना है, तभी हम इसको अच्छी तरह से बजा पाएंगे। तो ढोलक को समय समय पर आप टाइट करते रहें। एक ढोलक डोरी वाला भी होता है, डोरी वाले ढोलक में डोरी कसी जाती है, और इस ढोलक पे ये पेच, अगर ये एक भी पेच अगर गुम हो गया ना, तो समझो कि आपकी ढोलक बर्बाद है। ये भी साइकिल वाले, अगर कहीं आपकी किसी की भी ढोलक का ये पेच गुम हो जाए, तो ये भी साइकिल वाले के पास से पेच भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत आने क्यों देनी है, आप लोगों को ये चाबी ला के रखनी है, ये चाबी है 12 नंबर। ऐसे समय समय पर अपने ढोलक को आप टाइट करते रहें, इससे ढोलक की लाइफ भी लंबी होगी और आप अच्छी तरह से इसको अपने कीर्तन भजन में बजा भी पाएंगे। ये देखिए, इसी प्रकार आपको सारे अपने ये पेच टाइट करने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ मेरे को एक स्केच पेन का ऐसे निशान लगा देना है, ताकि मेरे को समझ आए कि मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब मैंने बराबर प्रॉपर तरीके से यहाँ तक आना है। तो ये देखिए, ऐसे ही अब आप ये सारे टाइट करते जाएं, ये 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 देखिए, ये ढोलक कसना बहुत जरूरी होता है, तभी इसमें अच्छी ध्वनि आती है बजाने से। अब ये भी हो गया, अब ये वाला, ये देखिए, अगर ये चाबी नहीं मिल पाती तो प्लास से भी आप कस सकते हैं, लेकिन प्लास से वो प्रॉपर शेप नहीं मिल पाती, इसलिए आप चाबी ही लाएं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ऐसे करके, और ये देखिए, फिर हम अपने निशान के पास आ गए। इसी तरह हम अपनी ये जो हमारी दूसरी साइड है, ये देखिए, यहाँ पे भी ऐसे करना। तो यहाँ पे हमारा ये धागा है, धागे से ही आप ऐसे करते जाएं और अपनी पूरी इसको ये करते जाएं। तो ये थी आज कि आप सबके लिए मेरी वीडियो ढोलक के ऊपर, कि अगर आपका ढोलक लूज हो गया हो तो कैसे इसको करो। देखिए कितनी प्यारी ध्वनि इसमें से आ रही है। तो अगर आप सबको ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।